नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। आजादी के 77 साल बाद भी ग्राम पंचायत भैसाय में मूलभूत विकासी कार्यों की आवश्यकता। अवैध तरीके से मादक पदार्थों की बिक्री। ग्राम पंचायत भैसाय सरीला हमीरपुर यूपी में ग्रामवासियों ने एवं युवा समाज सेवी सदैव आम जनमानस की सेवा में तन मन धन से समर्पित रहने वाले, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सहभागी रहने वाले श्री भरत राजपूत दादाजी ने बताया कि ग्राम भैसाय में मूलभूत विकासी कार्यों की अत्यंत आवश्यकता है। आज भी गाँव के विश्वकर्मा मोहल्ला, हरिजन बस्ती, नई बस्ती, गढ़ी कोरियाना, रोनिया अधिकांशता मोहल्लों में रास्ते खस्ताहाल स्थित में है। गांव के अधिकांशता गलियां जल भराव से समागम है या कच्ची हैं, जिससे लोगों के आने जाने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन एवं जनप्रतिनिधियों से समाज सेवी भरत राजपूत दादा ने गांव के मूलभूत विकासी कार्यों के साथ साथ विश्वकर्मा मोहल्ले में पक्की रास्ता निर्माण कार्य कराने की मांग की है। इसके साथ ग्रामवासी महेंद्र विश्वकर्मा, पवन कर्ण, दिनेश द्विवेदी, ग्राम शिक्षा समिति अध्यक्ष, समाज सेवी रामशरण राजपूत, आकाश राजपूत, जनसेवक नितेन राजपूत गढ़ी, धर्म राजपूत क्षेत्र पंचायत जिला अध्यक्ष हमीरपुर, महेश ठेकेदार समाज सेवी शिवम यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि गांव में अत्यधिक शासकीय योजनाएं जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय पदाधिकारियों के साथ साथ बिचले दलालों के साठगांठ से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, केवल और केवल कागजों में कार्यान्वित होती हैं। मजदूर वर्ग में 30-70% की साठगांठ करके निकासी कार्य किए जाते हैं। गांव में एक जागरूक सज्जन जब तक पूर्ण कार्यवाही ना हो जाने तक नाम प्रकाशित ना करने की शर्त पर बताया कि कागजों में हेर फेर करते हुए कागजों में पूर्ण या मनरेगा के कार्यों की मशीनरीकरण से करवाया जाए। पूर्व के विकासी कार्यों की धनराशि निकाली गई है, जबकि धरातल में कोई विकासी कार्य नहीं हुआ है। इसी प्रकार गांव में सरकारी अस्पताल है, स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ अधिकांशतः नदारद रहता है। मनमाने तरीके से 10 दिन या 15 दिन में आना होता है। यदि नियमित आने के लिए कहा जाता है तो कह देते हैं, तुम हमें जानते नहीं, हम उन नेताजी के रिश्तेदार हैं। इसी प्रकार से गांव में कुछ लोग अवैध तरीके से मदिरा गांजे की बिक्री करते हैं। मजदूर वर्ग को ईद पथाई हेतु पेशगी के रूप में धनराशि मिल गई है, जिससे कुछ लोग जुआ सट्टा में विशेष रोचकता रखने वाले उस्ताद किस्म के लोग मजदूर वर्ग के लोगों को बहला फुसलाकर जगह जुआ तीन पत्ती का फड़ जमाए रहते हैं। मना करने पर कहते हैं कि हमने सब सेटिंग लगा ली है, हमारा साधारण जुआ सट्टा मदिरा बिक्री बंद नहीं हो सकती। क्या शासन प्रशासन सोए हुए हैं? आने वाले भविष्य किस दिशा की ओर जाएंगे, संज्ञान में लें। शिक्षा पर लोगों से संवाद किया गया तो ज्ञात हुआ कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा पर दिन पे दिन स्थितियों में सुधारात्मक दृष्टिकोण है, परंतु आंगनबाड़ी केंद्रों की शिक्षा, पालियों की खान पान की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सामग्री वितरण से असंतुष्ट नजर आए हैं। भरत राजपूत दादा ने शासन जनप्रतिनिधियों से अतिशीघ्र विकासी कार्यों को मानक के अनुरूप पूर्ण कराने के साथ भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, अवैध कार्य धंधे पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की शासन प्रशासन से मांग की है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से योगेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार,